हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केसरवानी एकेडमी। अगला टॉपिक आता है सेकंड यूनिट में, आइडिया जनरेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें फर्स्ट पॉइंट आप लोग बताएंगे, आइडिया जनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप आइडियाज़ को क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ये आइडियाज़ आपके एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, कंक्रीट मतलब ठोस होते हैं और विजुअल्स होते हैं, ठीक है। अब आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि आप हैं, आपने अपने माइंड में एक बिजनेस आइडिया बनाया, ठीक है। उस बिजनेस आइडिया पे आप लोग वर्क करके एक नया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले काम क्या किया कि आपने अपने माइंड पे एक बिजनेस आइडिया बनाया, मतलब एक बिजनेस आइडिया क्रिएट किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्रिएटिंग देख रहे हो गया। अब आपके बिजनेस के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, उन चीज़ों पर भी आपने ध्यान दिया, तो आप डेवलप करने लगे आइडियाज को कि आपके बिजनेस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें बनेंगी, ठीक है। तो ये आपका डेवलपिंग में आ गया। एंड कम्युनिकेटिंग, इसका क्या मतलब है कि आप एक दूसरे से जो आपके साथ वर्क करेंगे आपके बिजनेस में, ठीक है, उनसे आप कम्युनिकेट करने लगे, एक दूसरे से बात करने लगे कि हाँ इन प्रोडक्ट को मुझे बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, ये आगे चल के सक्सेसफुल होएगा ये प्रोडक्ट कि नहीं होएगा मार्केट में, ठीक है, सर्विस सक्सेसफुल होएगी कि नहीं होएगी, ठीक है। इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, यही आपका कहलाता है आइडिया जनरेशन, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट आप लोग बताएंगे कि आइडिया जनरेशन किसी भी नए प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए सबसे पहला स्टेप होता है, ठीक है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो पहले आप उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक आइडिया अपने माइंड पे एक आइडिया लाएंगे, फिर उसके बाद दूसरा काम करेंगे, ठीक है, उस पे बनाने पे ध्यान देंगे। पहला काम क्या आता है आपका, फर्स्ट स्टेप, आपने उसके बारे में सोचा, ठीक है, अपने माइंड में आइडिया क्रिएट किया कि हाँ ये प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट आप लोग बताएंगे कि आइडिया जनरेशन जो है क्या काम करता है, किस चीजों पे फोकस करता है। देखिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में, तो ये उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, कि मतलब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है जो आपके कंपनी में प्रॉब्लम आ रही है, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो ये आप लोग थर्ड पॉइंट में बताएंगे। एक प्रकार से ऐसे समझिए कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या कोई सर्विस आप अपनी कंपनी में स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस में स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि एक अपने माइंड में आइडिया क्रिएट करेंगे कि इससे मुझे क्या क्या सॉल्यूशन बन सकते हैं, आइडिया क्रिएट करने के बाद क्या क्या सॉल्यूशन बन सकते हैं जिससे इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सके, ठीक है। तो एक आइडिया जनरेशन ये भी होता है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं उसके सॉल्यूशन पता लगा के। फोर्थ पॉइंट आप लोग बताएंगे कि आइडिया जनरेशन जो होता है वो सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बैकबोन का काम करता है। एक प्रकार से बैकबोन ऐसा समझिए कि आप हैं, जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन अपना चला रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, मान लीजिए फाइनेंस की प्रॉब्लम आ गई, पैसों की प्रॉब्लम आ गई, तो आपके साथ जो आपका टीममेट वर्क कर रहा है, जिस पे आप ज्यादा ट्रस्ट करते हैं कि हाँ मुझे ये फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है, तो उस पे आप ट्रस्ट करके उससे पैसे ले सकते हैं, आपके वो बिजनेस में पैसे लगा सकता है, ठीक है, तो वो आपके लिए एक बैकबोन हो गया, ठीक है, मतलब आपके पीछे वो बहुत ज्यादा मजबूती दे रहा है कि अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो वो आपको पैसे देगा, ठीक है, तो आपके लिए एक वो बैकबोन का काम कर रहा है। तो इसीलिए एक प्रकार से आइडिया जनरेशन भी सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बैकबोन का काम करता है, ठीक है। बैकबोन का मतलब आप लोग समझ गए हैं कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आएगी तो वो उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को बताएगा, ठीक है। तो ये हो गया आइडिया जनरेशन। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट्स फॉर मार्केटिंग टीम्स, आप लोग ये बताएंगे कि आइडिया जनरेशन जो है मार्केटिंग टीम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट असेट्स होता है। असेट्स का मतलब एक प्रकार समझ लीजिए संपत्ति या कोई चीज होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर मार्केटिंग में कोई भी प्रॉब्लम आ गई है तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ये आइडिया जनरेशन ही बताता है। एक प्रकार से ये समझ सकते हैं आप कि अगर प्रॉब्लम आई तो आप अपने माइंड में आइडिया लाएंगे, ठीक है, कि उसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हर व्यक्ति अपने माइंड में कोई ना कोई सॉल्यूशन लाएगा, आइडिया लाएगा, ठीक है, तो ये होता है बहुत इंपॉर्टेंट असेट। ये आप लोग बताएंगे आइडिया जनरेशन की डिफिनीशन में। अब देखिए आता है आइडिया जनरेशन प्रोसेस, इसमें पहली हेडिंग बताएंगे सबमिशन। सबमिशन में आप लोग बताएंगे कि आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के अंडर में जितने भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उन सभी के माइंड में कोई ना कोई आइडिया होएगा, ठीक है, तो आप सभी के आइडिया को अपने पास रखेंगे और जिनका भी आइडिया आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मुझे इन चीज़ों पर काम करना चाहिए अपने कंपनी में, बिजनेस में, उन चीज़ों पर आप वर्क करके एक नई चीज़ बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, नया प्रोडक्ट या नई सर्विस स्टार्ट कर देंगे बनाना, ये आपको बताना है सबमिशन में। सेकंड हेडिंग बताएंगे आप लोग कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन में आप लोग बताएंगे कि आपके जो बिजनेस के अंडर में या ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में जो भी इंप्लॉय काम कर रहे होंगे उन्हें भी ग्रो करने के लिए कोलैबोरेट करना होगा, और जो है आप जिन भी चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं, जो नई चीज़ आप लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, सर्विस ओपन कर रहे हैं, उसको बूस्ट करने के लिए उनके आइडिया पे सेव भी देना होगा आपके इंप्लॉय को, ठीक है, तो ये आप लोग सेकंड पॉइंट में बताएंगे कोलैबोरेशन में। थर्ड पॉइंट आप लोग बताएंगे इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में आप लोग बताएंगे कि देखो आफ्टर सबमिशन एंड कोलैबोरेशन आपके कंपनी के अंडर में काफ़ी सारे इंप्लॉय वर्क कर रहे होंगे, लेकिन आप लोग ऐसा तो है नहीं कि बस उतने ही इंप्लॉय वर्क करेंगे, ठीक है, और भी आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो आपको राइट पीपल चुनना है, मतलब सही लोग चुनना है जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उनके बारे में उनको नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए कि आगे चल के वो अगर आपकी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, बिजनेस में वर्क कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट को बना सके, ठीक है, थोड़ा बहुत उनको नॉलेज होना चाहिए कि आपके वो प्रोडक्ट में हेल्प कर सके, ठीक है, तो उन्हीं लोगों को आप अपने कंपनी में रखिए जो थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, ठीक है, तो उन्हीं इंप्लॉय को आपको अपने कंपनी के अंदर लाना है। ये हो गया इवैल्यूएशन। फोर्थ पॉइंट आता है इंप्लीमेंटेशन। देखो
आपने आइडियाज चुन लिए, ठीक है, आपने आइडिया सुने सबके, उसमें से फिर आपने शॉर्टलिस्ट करी आइडिया को, कौन कौन से आपको आइडिया अच्छे लगे कि हाँ मुझे इन पे वर्क करना चाहिए अपने बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, ठीक है। उसके बाद फिर आप एक सही मौका देखेंगे अपने बिजनेस के लिए कि हाँ इस टाइम पे लोगों को इन प्रोडक्ट की जरूरत ज्यादा है, इन सर्विसेज की ज्यादा है, फिर आप लोग उस पर वर्क करके, आप और आपके एम्प्लॉय उस पर वर्क करके उस प्रोडक्ट या सर्विस को ओपन करेंगे और फिर मार्केट में वो लाएंगे, ठीक है। मार्केट में आप लोग प्रेजेंट करेंगे लोगों के पास, वो सॉल्यूशन देंगे कि हाँ ये लीजिए, मैंने अब आपके जो जरूरतें की चीज़ें हैं वो बनाई हैं, सर्विस ओपन करी है, प्रोडक्ट को मैं बनाया हूँ, फिर उन्हें आप प्रोवाइड कराइए और आगे चल के अगर आपका प्रोडक्ट सक्सेस हुआ, ठीक है, तो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। ये आपके आते हैं आइडिया जनरेशन प्रोसेस में चार हेडिंग, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।